नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, गंगा दशहरे की पौराणिक कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। इस साल गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। बहुत पुरानी बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा सगर हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया और इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। और इंद्र के ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ में रुकावट आ गई। महाराजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा ढूंढने का काम दिया। महाराजा सगर के पुत्र ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घोड़ा वही बंधा हुआ है और उन्होंने महर्षि कपिल को चोर समझ लिया और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। और उनके चिल्लाने पर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने हजारों साल बाद अपनी आंखें खोली और महर्षि सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोध में आकर जलाकर भस्म कर दिया और उन 60,000 पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। महाराजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को पता लगाने को भेजा। अंशुमन अपने चाचाओं को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसके चाचाओं की राख पड़ी है। उसने पूरे भक्ति भाव से कपिल मुनि को प्रणाम किया। अंशुमन से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल इनकी राख पर डाला जाए तो इन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन ने सारी बात जाकर राजा सगर को बता दी और उसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और माँ गंगा को उनके कमंडल से मुक्त कर दिया। लेकिन माँ गंगा ने कहा कि मेरा भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। इसके लिए भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली और फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया जिससे माँ गंगा धरती पर प्रवाहित हुई और इस प्रकार महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।